पुण्यतिथि पर याद किए गए अधिवक्ता सत्यनारायण, विजय कुमार झा, अरूप चटर्जी ने सत्तो दा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। तारांकन। धनबाद जिला के कतरास स्थित भंडारीडीह सामुदायिक भवन परिसर में आज मौजूदा नेता व मशहूर अधिवक्ता सत्यनारायण भट्टाचार्य उर्फ सत्तो दा की पुण्यतिथि मनाई गई। श्रमजीवी विकास ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में लोगों ने स्व सत्तो दा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। वक्ताओं ने सत्तो दा के द्वारा गरीब मजदूरों के हित में उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए कहा कि वे पूरी जिंदगी गरीबों के हक अधिकार की रक्षा के लिए लड़ते रहे, सर्वहारा वर्ग की सत्ता की स्थापना के लिए पूरी जिंदगी काम करने वाले सत्तो दा गरीबों का मुकदमा मुफ्त लड़ते थे। आगंतुक अतिथियों का स्वागत सत्तो दा के पुत्र सह अधिवक्ता दीप नारायण भट्टाचार्य ने किया। संचालन कृष्ण कुमार कर रहे थे। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो, बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा, बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष उत्तम मुखर्जी, कांग्रेस नेता सह अधिवक्ता ब्रजेंद्र सिंह, मासस के केंद्रीय महासचिव हलधर महतो, अधिवक्ता नितया रवानी, सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज रजा, साहित्यकार महादेव चटर्जी, असंगठित मजदूर मोर्चा के महामंत्री नितय महतो, मोर्चा के केंद्रीय संयोजक बच्चा सिंह, दिलीप तिवारी, माले के संदीप कौशल, राकेश रंजन यादव, मासूम खान, द्वारिका राय, शहजादा अंसारी, दिलीप चक्रवर्ती, सुधीर सिन्हा, मुकेश वर्मन, जगदीश रवानी, सुमित्रा मुर्मू, शौकत खान, रामप्रवेश यादव, राजेश झा, गौरव सरकार, दीपांजन दे, सुरेंद्र यादव आदि ने श्रद्धांजलि दी। शुभारंभ में पूर्व विधायक आनंद तथा कॉमरेड शहजादा अंसारी ने दो अलग अलग झंडोत्तोलन किया। साथियों, सबसे बड़ी बात है जो मजदूरों को एवं शोषित वर्गों को संरक्षित करने के लिए काम करते हैं। आज भी जो मजदूर संगठन समिति को बयान करने के बाद हम लोगों ने तमाम लोगों को असंगठित मजदूर मोर्चा के बयान तले लाकर हम लोग ने एक बृहद रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो ये संगठन है उसको करने की हम लोग कोशिश किया। अगर हम लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को संगठित करते हुए उनको आगे ले जाए, उनकी लड़ाई को आगे ले जाए, उनकी मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन करें, हम समझते हैं ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, इससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।